बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा और इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करूंगी, हम जानते हैं कि रमजान शरीफ का पूरा महीना फजीलतों और बरकतों से भरा हुआ है, लेकिन हम उससे उसका से फायदा नहीं उठाते। हम रमजान की ख्वाहिश करते कि सरकार अलैहिस्सलाम अस्सलामुअलैकुम, कैसे तमाम लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इफ्तारी की तैयारियों में खवातीन लगी हुई होंगी, लेकिन आज इसलिए मैंने लाइव जाने का सोचा, एक बहुत ही प्यारी हमारे पास मेहमान आए और हमने उनको पकड़ लिया, धर लिया हमने, तो आज आप कहीं नहीं जा सकती कि आज तो अपने तमाम देखने वालों के साथ लाइव सेशन करना है और आपको बिठा के बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि जब उनके साथ हम बैठे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप देख रहे हो कि मेरे साथ बैठे इरम भैया, पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैंने आपको पकड़ लिया, लेकिन बात अब मतलब मुश्किल से आप मिलती है, तो मैंने कहा अब मैं भी फायदा उठाऊं और तमाम देखने वाले लोग भी आपकी मौजूदगी से फायदा उठाएं। मसला ये है कि आपके हुक्म की तो तामील हमारा कहते ना, योर विश इज माई कमांड, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके साथ होते हैं और इनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि ये मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये चेहरों के स्किन के इसके तो इलाज करती करती है, लेकिन इनकी बातें इंसान की रूह पे बहुत खुशगवार असर डालती हैं, और जब रूह अच्छी होती है तो चेहरा वैसे ही खूबसूरत हो जाता है। आज हम रूह की भी बातें करेंगे, शिकेरा में तो हम अंदर अंदर दिल की बातें करेंगे। हम खवातीन इस वक्त जो है ना किचन में मसरूफ होगी, 6 बज रहे हैं और किचन में सब लोग लगे हुए होंगे, और किस तरह से असर की नमाज होती है हम आपको भी अंदाजा है, और जो आखिरी अशरा है उसमें भी जैसे कि इबादत किस वक्त करें, तरावी पे जाना है और एतकाफ में लोग बैठे रहे। खास कर मैं क्लिनिक का भी बता दूँ कि मैंने टीवी शो में भी कहा था कि हम लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं रसास फजा में, कि खवातीन बहुत परेशान होती है कि रोजे से पहले इफ्तार से पहले कैसे आएँ, क्योंकि इफ्तार बनानी है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो मैंने कहा टेंशन नहीं लें, इफ्तार हमारे साथ करें, क्लिनिक खुला हुआ है और हम लोग रात 10 बजे तक मौजूद होते हैं, लिहाजा सुबह 12 से रात दोपहर 12 से रात 10 बजे तक आप इजीली आ सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपनी ईद की तैयारियों के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन आज इरम को देख के जो चीज़ मेरे जहन में आई थी, और बहुत अरसे से था कि इबादत की बड़ी रातें अब शुरू हो रही हैं, मैं इरम आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझे, मेरी टीम को और तमाम देखने वालों को गाइड करें कि मुझे लगता है कि हम लोग शायद दुनियादारी के अंदर बहुत कीमती वक्त खो देते हैं, तो मुझे बेसिक आप ये जरूर बताइए कि इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। वैसे सबको पता है कि आखिरी अशरा बहुत फजीलत वाला है, लेकिन जो उसका हक है क्या हम उसको अदा कर पाते हैं? उन्हें मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा और इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करूंगी, हम जानते हैं कि रमजान शरीफ का पूरा महीना फजीलतों बरकतों से भरा हुआ है, लेकिन हम उससे उसका से फायदा नहीं उठाते। हम रमजान की ख्वाहिश करते कि सरकार अलैहिस्सलाम के हदीसे कहते तुमको पता चल जाए कि रमजान में क्या कुछ है, तो तुम चाहोगे पूरा साल रमजान में, ठीक है ना। तो अल्लाह ने कुछ चीजें छुपाई हुई हैं, लेकिन अपने महबूब के सदके में उसकी उम्मत को कुछ चीजें बताई भी दी हैं, तो मेरे ख्याल से हम ये दिन तकरीबन जाया कर चुके हैं। अभी जो आखिरी अशरा है, किसी भी चीज का एक निचोड़ होता है हमेशा, इस जिंदगी का भी निचोड़ होता है, गुफ्तगू के भी निचोड़ होते हैं, हम कोई दावत करते हैं, खाना पकाते हैं, एक पीक टाइम आता है कि जिस वक्त वो दावत अपने पीक पे जाती है, तो वो हर चीज का एक पीक टाइम होता है, एक निचोड़ होता है। रमजान शरीफ का निचोड़ यह आखिरी अशरा है कि रहमत का अशरा गुजर गया, मगफरत की आज आखिरी संजय के दिन है, कल से इंशाल्लाह ताला निजात का अशरा शुरू हो जाएगा। रहमत मिलके मगफरत मिलती है, और जिसको मगफरत मिल जाती है उसको निजात तो मिल ही जाती है। अभी जो फजीलतों से भरा अशरा है, इसमें सिर्फ निजात नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक 27 को नाजिल फरमाया, अल्लाह ने अपने महबूब के उम्मतियों को उदास देखा तो एक रात ऐसी अदा कर दी, क्योंकि असहाब ने ये पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे पहले तो इतनी उम्रें होती थी, इबादतें इतनी होती थी, तो हमारी तो वो इबादतें हो ही नहीं सकती। अल्लाह को अपने महबूब के महबूब जो थे उनकी परेशानी इतनी भाई कि अपने महबूब को एक ऐसा तोहफा अता कर दिया जो किसी नबी के पास नहीं, किसी उम्मत में नहीं, कि इनको इस ताक रातों में तलाश कर लो। अच्छा, पहले ये था कि 10 रातों में, लेकिन क्योंकि महबूब की उम्मत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद आसानी पैदा कर दी
कि पांच ताकत आते हैं उनमें तलाश कर लो। अच्छा उसमें भी इंफेसाइज जो है वो 27 के ऊपर हो गया। हाँ। लेकिन मैं अपनी तमाम बहनों को भाइयों को जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको कहूंगी चलो कि इतिकाफ में बैठते हैं उनके अलावा आप क्यों नहीं, आप ये सिर्फ पांच रातें क्यों इबादत करें, आप कल से बस जरूरी नहीं है कि आप पूरी रात जागकर इबादत करें, आप एक वक्त क्वालिटी टाइम का इबादत करें कि आपके दिल को सुकून आ जाए। आप हर रात कल से ये सोचिएगा कि आज की रात शबे कदर है। पहली बात ये कि इशा की नमाज पढ़कर बल्कि मगरिब से मगरिब की नमाज पढ़ के हम अक्सर शबे बारात में ये पढ़ते हैं, लेकिन मैं आप सबको बताऊं कि आप कल मगरिब के बाद दो रकत नमाज पढ़िएगा नफिल बराए दराज उम्री की, दो रकत नमाज पढ़िएगा नफिल बराए फरागी रिस्क की, दो रकत नमाज पढ़िएगा नफिल बराए दफाए परेशानियां और बीमारियां और मुसीबतें, और सूरह यासीन पढ़ के और दरूद शरीफ पढ़ के और शबे कदर नाजन्ना जो है सूरह कदर पढ़ के अल्लाह से सच्चे दिल से ये तीन चीज़ें ज़रूर मांगिएगा कि अल्लाह सेहत के साथ ज़िंदगी दे, अल्लाह रिस्क में इजाफा करे और अल्लाह परेशानियों बीमारियों आजमाइशों मुश्किलों को दूर करे, और अल्लाह आपको मुझको हम सबको अपने हबीब पाक के सदके में ये रमज़ान मुकम्मल करवा के आने वाले रमज़ानों के लिए भी सलामत रखे और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रखे। तो ये सोचिए कि अब ये बोनस के दिन शुरू हो रहे, जब आपको ऑफिस में बोनस मिलता है कितना इंतज़ार करते हैं कि बोनस मिल जाए तो हम ये काम करेंगे हम वो काम करेंगे, या कोई चीज आप नहीं खरीदते आप सेल का इंतजार करते हैं। हाँ। कि अभी मत लो अभी सेल लगेगी, ये आखिरी 10 रातें 100% सेल पे आ जाती है। रमजान का तो मैं कहती हूँ पूरा महीना ही सेल का महीना है, जो मतलब ये मैं गुफ्तगू वो वाली कर रही हूँ शायद ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। हम सबको पता है कि रमजान कितनी फजीलतों से भरा है, क्या वजह है कि हम इससे फायदा नहीं उठाते हैं। कल से मैं देखूंगी कि मेरे भाई बहनों का रश जो है वो बाजार में बढ़ जाए, तो मेरे कारोबारी भाई ये क्यों नहीं करते कि शुरू की 10 ताक रातें जो शुरू की 10 रातें सॉरी आप तरावियां पढ़ते हैं वो आप आखिरी की 10 रातें करें। कम से कम पूरे 10 दिन बाजार नहीं बंद कर सकते तो इन 5 ताक रातों को, अब होता क्या है कवालियां पहले तो घर गाने चल रहे होते थे, अभी 2-3 साल से जरा ट्रेंड चेंज हुआ है तो कवालियां चल रही होती हैं, लेकिन फरिश्ते उतरे हुए होते हैं, क्या फरिश्तों को वो म्यूजिक की आवाज़ें वो गाड़ियों के हॉर्न वो इंसानों की चहल पहल दुनियावी चीज़ों के पीछे भागना, ये तो वो वक्त है कि आप अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होके राज़ो न्याज करें, अल्लाह से अपने दिल की बातें करें। देखिए हमें हम घर में कुछ खाना पकाते हैं हम बर्तन को अंदर से साफ करते हैं। हाँ। अपनी सारी मैं बहनों को ये कहूँगी कि आप अपने बर्तन को अंदर से सफाई करती हैं, बाहर से साफ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें भी अपने आप को अंदर से साफ करना है इसकी सफाई, और ये वक्त है कि अल्लाह के हुजूर झुक के मांग सकते हैं सफाई कर सकते हैं। डिटर्जेंट अल्लाह ने आपको दिया है, इब्लीस बंद है गहरे समंदरों की गहराई में, आपको बहकाने वाला मौजूद नहीं है, जरा सा खुद को रिस्ट्रेन कर लें। और मगर एक वजह मेरी समझ में आती है, मेरी बहनें शायद उनके दिल में सवाल हो, बहुत सारे लोगों को तनख्वाहें लेट मिलती है, ऐसा होता है कि बेचारे मजबूर होते हैं कि अपने बीवी बच्चों को लेके आखिरी अशरे में बाहर निकलते हैं, बिल्कुल ऐसे तो उसमें आप थोड़ी सी ज़हमत ये करें कि दिन के वक्त निकल जाए। हाँ, ये भी सही, रात के बाद का कोशिश करें कि मगरिब के बाद आप कम से कम रात 12 बजे तक 1 बजे तक मगरिब से 12 से 1 बजे का अपना टाइम रख लें कि ये मेरी इबादत का टाइम है। फिर आप बेशक अपनी सहरी की थोड़ी सी तैयारी करके, बाजार तो अब खुले हैं, आप 1-2 घंटे के लिए बाजार चले जाएं अगर आप दिन में नहीं जा पाए। और ताक रातों में जो है 5, मैं तो पूरे 10 दिन की बात करूँ, लेकिन इन 5 रातों में ज़रूर कोशिश करें कि 3-4-5 घंटे आपकी इबादत ज़रूर हो जाए, आपका इस्तग़फ़ार ज़रूर हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूर करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ू अन्नी, या गफूर या गफूर या गफूर, कल से आपकी दुआओं में ये दुआ शामिल हो जानी चाहिए, और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के मांगे बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका बच्चा आपसे ज़िद करता है,
दामन पकड़ लेते छोड़ता नहीं, जमीन पे लेट जाएगा, माँ जिच हो जाए, आप जिच हो जाती होंगी, आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन एट लास्ट आप उसको वो चीज देके बिठा देती होंगी। माएं अब ये चीज मोबाइल फोन के साथ बहुत करती हैं। अल्लाह से एक बच्चे की तरह मांगे, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा पैदा करने वाला है, हमारा ख्याल रखने वाला है, हमारी दुआओं को सुनने वाला है, हमें अता करने वाला है, हमारी हिफाजत करने वाला है, हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा कारसाज है, सबसे बड़ी बुजुर्गी वाला है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, सबसे ज्यादा करम करने वाला है, अपने बंदों से सबसे बढ़ के मोहब्बत करने वाला है, वो अता ही अता है और हम खता ही खता। तो प्लीज इनको जाया मत कीजिए। और चांद रात सबसे इम्पोर्टेंट है, चांद लैलतुल जायजा इनाम की कि इस पूरे महीने की मेहनत का सिला दर हकीकत आपको चांद रात को मिलते हैं। आज भी जब मेरी बहनें इफ्तार करें ना, तो अल्लाह से गुमान जरूर करें कि आज आपके दस्तरखान पे जितने लोग बैठे हैं, अपने सारे प्यारों को याद करके अल्लाह से कहें कि या अल्लाह आज हमारे नाम उन खुश नसीबों में हो जिन्हें आपने मगफिरत फरमा दी हो। ये अल्लाह से हुस्ने ज़न जरूर रखिए। और अल्लाह पूरे रमजान उन्हें जितने लोगों को जहन्नुम की आग से आजाद करते हैं, मगफिरत करते हैं, रहमत फरमाते, उन सब के जितने लोगों को और उनसे ज्यादा लोगों को सिर्फ एक रात लैलतुल जायजा में माफ करते हैं कि पूरे रमजान जिनको किया उनसे बढ़कर सोचे 30 दिन रमजान के, तो फिर उनसे ज्यादा उसे एक रात में माफी मिलती है। और अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि बताओ कि जिसने पूरा वक्त मजदूरी की, मेहनत की, अब उस तक क्या अजर। फरिश्ते कहते हैं मेरे रब तू उसकी मेहनत का अजर उसे दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत खुश होते हैं चांद रात को, वो कहते हैं गवाह रहना कि मैंने अपने बंदों को उनका अजर दे दिया। हमारी बच्चियां मेहंदी लगवाने निकलती हैं, बहनें मेहंदी लगवाने निकलती हैं, हम खुद भी निकलते हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि मगरिब से लेकर चांद की हड़बोंग से परेशान ना, तो 29 का चांद होगा, 29 का नहीं है तो 30 का तो हो गई होगा, सहरे 31वां दिन तो नहीं होता चांद का, तो 29 को आप परेशान मत हो। आप अपने जहन में यही रखें कि 29 का चांद होगा, नहीं होगा तो एक दिन आपको बोनस में मिल जाएगा। तो जल्दी काम बिल्कुल सारे तैयारी अपनी आप करके रखें। मगरिब से लेके 12 बजे तक का टाइम अल्लाह से अपनी उजरत तलब करें, अल्लाह से पूरे साल के लिए खैर तलब करें, अल्लाह से मदद तलब करें कि मेरे रब ये जो मेरी कसाफत है ना इसको दूर कर दे। कि देखिए जिस्म जो है ना कसीफ है, रूह लगी, रूह भूख मांगती है, जिस्म खाना मांगता है, अल्लाह रमजान में दोनों चीजें पूरी करती है। तो आप अल्लाह से मदद मांगिए, करम मांगिए, जितनी परेशानियां हैं अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के, करने वाला वही है, जरिया और सबील वो जिसको चाहेगा बना। कभी कभार आप भी जब किसी की मदद करें तो हमेशा 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए आपको चुना, बड़ी सादत है, करना वाला वो है, चुन आपको लिया, तो सोचे आपने वो काम कर दिया जो अल्लाह ने चाहा, तो शुक्राने के 2 नफिल अल्लाह के आगे अदा कर लिया करें। तो कल से ये फजीलतों की रातें शुरू हैं, मैं तो यही कहूँगी उम्मीद के 5 रातें नहीं पूरी 10 रातें तलाश कीजिए, और इंशाल्लाह ताला नज़ीम इस साल लैलतुल क़द्र को जरूर पा लीजिए, इंशाल्लाह जरूर अल्लाह ताला नसीब करे और हमें सादत अता फरमाए। और ये इफ्तारी का टाइम हो रहा है, मुझे भी इफ्तारी बनाने की आज मेरी ड्यूटी है कि हमने इरम को भी अपने पास रोका है, इरम है और पूरी टीम है, तो उनके लिए इफ्तारी तैयार करनी है। और दूसरी की अभी बात हो रही थी कि तैयारियां जल्दी कर लें, सास वगैरह आपके लिए रात देर तक खुला हुआ है और उसके लिए आपको अलग अलग भागने की ज़रूरत नहीं, आपकी हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ पे मौजूद है, आप एक ही जगह आके, चाहे आपके स्किन का इशू है, चाहे आपके बालों का मसला है, आपको मेहंदी भी लगानी है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपको भी सारी की तैयारी करनी है और हमें भी करनी है, और बहुत सारी चीज़ें और भी इंशाल्लाह फिर आपसे एक सेशन करेंगे। और ख़ास मैं चाहूँगी अगर हम एक दिन और आप टाइम निकालें, कुछ ऐसी इबादत होती हैं, कुछ ऐसी दुआएँ होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं,
सबको पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में या मसरूफियात में उस चीज़ों को ढूंढ नहीं पाते या उसके ऊपर जहन नहीं जाता है, तो मतलब मेरा हमेशा से यही है कि चांद रात जो है जो सबसे बड़ी रात है, उस दिन मांगी थी कोई दुआ रद्द नहीं होती है और वो रात हम खो देते हैं। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश है, अपने बच्चों को भी ताकीद करती हूँ और आप सबसे भी कहूँगी, जैसे इरम ने भी कहा कि उस रात को आपने पूरा हर तरह से अपनी उज्जत हासिल करनी है, अल्लाह ताला से मांगना है और ज़रूर इंशाल्लाह से फ़ायदा उठाएंगे, ज़रूर इंशाल्लाह। और हम ऐसा करेंगे कि बिल्कुल अफ्तार के टाइम नज़दीक है, जल्दी करके लैलतुल जायज़ा की फजीलत पे हम उस दिन बात करेंगे। और ये भी मैं अपनी बहनों को बता दूँ कि ईद की नमाज फर्ज के साथ साथ वाजिब भी होती है। ओके। और ईद की नमाज मैं फजर की बात कर रही हूँ, क्योंकि औरतें ईद की नमाज यहाँ माइया तो पढ़ने नहीं जाती, हरम में तो खैर जाती है, वो सादत नसीब होती है तो, लेकिन हमारे यहाँ वो रिवाज नहीं है। फजर की नमाज फर्ज के साथ उस वक्त वाजिब हो जाती है तमाम मर्दों के लिए जो ईद की नमाज के लिए जाते हैं, और घर में औरतों के लिए भी, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फजर की नमाज में भी आपको बहुत कुछ अता करता है, ये खजाने भरे हुए हैं, इस साल इनको पा लीजिए इंशाल्लाह। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा, फटाफट भागें किचन में सारी तैयार करें, और दुआओं में अपने साथ साथ हमें भी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुश रहने दें।